सो वेल हेलो देयर। तो आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वर्ल्ड टफेस्ट मैन अलाइव, जो कि है द वन एंड ओनली डेविड गॉगिंस। तो आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम डेविड गॉगिंस के लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और उनकी लाइफ से एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में जानेंगे, जिस लेसन्स को आप अपने लाइफ में अप्लाई कर उसको इम्प्लीमेंट कर आप लोगों से अपनी रिस्पेक्ट करवा पाओगे, और जिसको अप्लाई कर आप अपने अंदर के छुपे हुए सुपर हीरो को बाहर ला पाओगे और उस दुनिया में तहलका मचा दोगे। और हाँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। तो लेसन नंबर वन है टेकिंग सोल्स। तो ये बात है उस समय की जब डेविड गॉगिंस अपने US नेवी सील की ट्रेनिंग कर रहे थे। तो डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब वो अपने US नेवी सील की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उन समय उसके दो इंस्ट्रक्टर्स थे, जिन इंस्ट्रक्टर्स को वो एक को SBJ और एक को वो साइकोपेट बुलाते थे। और डेविड गॉगिंस तो कहते हैं कि वो दोनों ही इंस्ट्रक्टर इतने ज़्यादा निर्दयी थे और उन दोनों का हार्ट इतना ज़्यादा पत्थर दिल का था, कि अगर आप एक्सरसाइज करते करते ट्रेनिंग करते करते अगर आपकी डेथ भी हो गई, यानी आप मर भी गए, तो भी उन दोनों इंस्ट्रक्टर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता। डेविड गॉगिंस के हिसाब से तो उन ट्रेनर्स का तो काम ही बस था आपको गाली देना, आपके मनोबल को पूरी तरीके से तोड़ के रख देना, आपको नेगेटिव पूरा बना देना, और अंदर से पूरा खोखला करने के बाद आपको ये एहसास दिलाना कि आप नेवी सील नहीं कर सकते, और आपको क्विट करा देना। तो जब डेविड गॉगिंस US नेवी सील के दौरान अपनी हेल वीक्स में थे, और बाय द वे अगर आपको नहीं पता कि US नेवी सील की हेल वीक क्या होती है, तो US नेवी सील बनने के लिए आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस, बहुत सारे ट्रेनिंग और बहुत सारे ड्रिल्स को परफॉर्म करना पड़ता है और उसमें पास होना पड़ता है, तभी जाकर आप US नेवी सील बन पाते हो। तो उनमें से सबसे खतरनाक जो ड्रिल होती है, उसको बोला जाता है US नेवी सील की द अल्टीमेट हेल वीक्स। और इस हेल वीक में आपको पूरे हफ्ते भर, यानी पूरे वीक में इन टोटल मिला करके आपको 4 घंटे से भी कम की नींद लेनी पड़ती है, यानी कि आपको स्लीप डेप्रिवेशन में यहाँ रखा जाता है। और इसके अलावा आपको ऑन एन एवरेज हर एक दिन 20 घंटे से ज़्यादा की फिजिकल एक्सरसाइजेस कराई जाती है, जिसमें आपको पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, फ्लटर किक और ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस के वेरिएशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, वो भी काउंटलेस रेप्स, सेट्स आफ्टर सेट्स। लेकिन इसके बाद भी ये वीक कंप्लीट नहीं होती। ये सब करने के बाद भी आपको इसके अलावा आपको अंडर वाटर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और अंडर वाटर ट्रेनिंग के बाद आपको कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस ट्रेनिंग में भी परफॉर्म करना पड़ता है, और लास्ट में आपको बोट एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, जिसमें आपको एक भारी बोट को अपने सर में रख कर उसको दूर ले जाना रहता है। तो ये होती है US नेवी सील की द अल्टीमेट हेल वीक। तो डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब वो अपने US नेवी सील के दौरान अपने हेल वीक्स में थे, तो एक बार वो एक्सरसाइज करके अपने ड्रिल्स को परफॉर्म करके इतना ज़्यादा थक चुके थे कि अब उनके अंदर एक छोटे से पत्थर को भी उठाने की ताकत नहीं बची रह गई थी। तो उस सिचुएशन में भी, यानी कि इतने खतरनाक सिचुएशन में भी, उसके इंस्ट्रक्टर्स उन्हें इनकरेज करने के बदले उन्हें लगातार डिस्करेज किए जा रहे थे, और उनका लगातार मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें गालियाँ दे रहे थे, और उनको ये बोल रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कर वो हंस रहे थे, और फाइनली वो उन्हें बार बार बोल रहे थे कि तुम क्विट कर दो। जिसको देखकर, जिनकी बातें सुन करके डेविड गॉगिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, जिसके इमीडिएटली बाद वो अपने ब्रोड क्रू 2 यानी अपने टीम के पास गए, और अपने टीम के पास जाकर उन्होंने एज ए लीडर अपने टीम के सारे मेम्बर से कहा कि अब तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है, वो अपने अंदर की सारी ताकत को बाहर ला दो, क्योंकि अब समय आ गया है इन फकिंग ब्लडी बास्टर्स को ये दिखाने का कि हम कौन हैं, और इन सारे इंस्ट्रक्टर्स को ये बताने का और ये दिखाने का कि चाहे आप हमें कितना भी ज़्यादा टॉर्चर क्यों ना कर लो, चाहे आप हमें कितने भी ज़्यादा खतरनाक ड्रिल्स में क्यों ना डाल दो, चाहे आप हमारे मनोबल को पूरी तरीके से क्यों ना तोड़ दो, यू कांट हर्ट बोट क्रू 2। और डेविड गॉगिंस की इतनी एनर्जेटिक बातें सुन करके उसके टीम के सभी मेंबर्स के अंदर एक अलग सा जोश दिखने लगा। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जहां उनके अंदर एक छोटे से पत्थर को भी उठाने तक की जान नहीं बच गई थी, उनके इतनी पावर भी नहीं थी जो एक छोटे से पत्थर उठा सके, वहां केवल उन्होंने ना सिर्फ एक बोट को अपने सर में रखा, बल्कि उन्होंने उस बोट को अपने सर में रखने के बाद फुल पावर से ऊपर उछाला, उसके बाद वापस कैच कर वापस नीचे रखा, और फिर वापस अपने सर मिला करके वापस उछाला, और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बार बार किया। इसको देख करके उनके सभी इंस्ट्रक्टर्स के मुंह खुले के खुले रह गए, और उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आखिरकार इनके अंदर इतनी एनर्जी आई तो आई कहाँ से। और उस दिन के बाद उनके सभी इंस्ट्रक्टर्स ने डेविड गॉगिंस को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखना शुरू कर दिया, और इसी को ही डेविड गॉगिंस कहते हैं टेकिंग सोल्स,
यानी कि अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम कर दिखाना जिसको देखने के बाद सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, वो भी एक्सट्रीम में रिस्पेक्ट करें। और डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आप भी अपने लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो, बस आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए बस करना इतना होगा, आपको इसको अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। और इसको करने के लिए आपको आज तक आपकी लाइफ में जितने लोगों ने भी ये कहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपके खुद के सेल्फ डाउट के कारण आपको ये लगता है कि आप अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, या फिर आप कुछ अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो बस आपका काम हो गया। आपको बस अपने अंदर के उसी नेगेटिविटी को यूज़ करना है ऐसा फ्यूल की तरह, और उस फ्यूल और उस एनर्जी को यूज़ कर अपने हर एक एक थॉट्स को चैलेंज करना है, और फिर चैलेंज करने के बाद आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना है या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करनी है जिसको देख करके लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए, लोगों को लगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं था, आखिरकार आपने ऐसा किया कैसे, और ऐसा करने के बाद आपको लोग रिस्पेक्ट देने लग जाए और आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाए, सेम वैसे ही जैसे कि डेविड गॉगिंस ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके अपने रिस्पेक्ट को अर्न किया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको ऐसा वीडियो और देखना है फ्यूचर में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको डेविड गॉगिंस के लाइफ के बारे में और डिटेल में जानना है, यानी उसका आपको चाइल्डहुड जानना है, आपको उसके अचीवमेंट्स के बारे में जानना है, तो आप राइट वाले वीडियो में क्लिक कर डेविड गॉगिंस के बारे में डिटेल में जान सकते हो और उसकी पूरी स्टोरी को समझ सकते हो।